करूंगा कि जानदार और शानदार मीना समाज के लिए हाईटेक, युवा बहुत सब समझते हैं फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया सारी चीजों का ध्यान रखने वाले और मीना समाज के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करने वाले हमारे हृदय मोहन जी मीना से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और बिल्कुल संक्षिप्त में हमें और हमारे जो बैरसिया क्षेत्र के बंधुवर हैं उन सबको अपनी वाणी से अनुग्रहित करें। बोलिए मीनेश भगवान की जय। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे सब लोग मीनेश भगवान की जय। जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ है कि औपचारिकताएं सीमित की जाए इसमें मैं कहना चाहूंगा आदरणीय मंच और मंचासीन अतिथिगण और क्षेत्र के पधारे हुए सभी मेरे स्वजातीय बंधुओं, ये सही बात है कि बैरसिया क्षेत्र में या भोपाल जिले में पहली बार एक कार्यक्रम हुआ है मेरे में जहां मेरी उपस्थिति रही है या मैं आ पाया प्रदेश भर में जहां जहां संभव हुआ है जहां भाग्य में रहा या किस्मत में रहा था मेरा जाना भी हुआ है पर यहां पहली बार मौका लगा देख के बड़ी खुशी हो रही है। आप लोगों ने बहुत थोड़े से समय में काफी अच्छा कार्यक्रम जमा लिया है और काफी लोग क्षेत्र के इकट्ठे भी हुए हैं और बातें तो खैर हम अपने वरिष्ठ सुनेंगे और समझेंगे पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि समाज हमारा तरक्की करे पर तरक्की के लिए हमें बाकी सब चीजें शिक्षा पूंजी बाजार आदरणीय अध्यक्ष जी ने जैसा कि बताया उसके साथ साथ कुरूतियों पे भी हमें लगाम लगानी पड़ेगी। हमारी समाज और कोई चीज पीछे नहीं है हमें पीछे करने में हमारी कुरूतियों का भी अहम योगदान है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और ये बहुत सारी कुरूतियां हैं इन्हें किसी दूसरे के ऊपर सोचे कि कोई दूसरा खत्म करे वहां से मैं खत्म करूंगा तो ऐसे खत्म नहीं होंगी इन्हें हमें अपने घर से और खुद को खत्म करनी पड़ेगी तब जाके विकास होगा और ये वाकई एक महत्वपूर्ण योगदान होगा हमारे समाज के विकास का। तो मैं चाहता हूँ बंधुओं आप लोग भी जैसे बाकी सब लोग काम कर रहे हैं वैसे आप भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान समाज सेवा में करें और ये भावना हमेशा अपने मन में अपने बच्चों को अपने परिवार को दें कि समाज से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। बाकी और विचारों के लिए मेरे वरिष्ठ हम सबके वरिष्ठ लोग यहाँ मौजूद हैं हम उनसे अपने विचार जानेंगे इन सब बातों के साथ आप सबको जय। अगले क्रम में मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के प्रदेश मंत्री माननीय मान सिंह रावत जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे